is a pretty neat rampart design. Large mud walls with bamboo sprouted on its face and a moat. It would be pretty hard to counter this. शिवाडोल अहोम का प्रार्थना स्थल बना। रंगदार एशिया का पहला एम्फी थिएटर बना अहोम का मनोरंजन स्थल। पास ही है तलातल घर, एक भूमिगत महल। Our incarceration. It's such a wonderful moment. Sail from Gorgon. They have one bag. Their motherland. The information reaches Aurangzeb at Agra by December 1667. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। লগতে মঞ্চলাসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী মহোদয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়, বন্দৰ জাহাজ জলপথ আয়ুষ বিভাগৰ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুত ফর, ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্রীযুত রঞ্জন গগৈ আৰু লোকসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্রীযুত তপন কুমার গগৈ। দেৱী আৰু সজ্জনো আহি আব হম ইছ ভব্য সমাৰোহ কা শুভাৰম্ভ কৰতে হে আহোম সমুদায় কে পাৰম্পৰিক প্ৰাৰ্থনা গীত आई सिंह लाओ के साथ। धन्यवाद। अब हम असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई लासित बोरफुकन के जीवन इतिहास पर आधारित एक श्रव्य दृश्य पेश करेंगे। महान नायक लासित बोरफुकन जी साइखो बसोरिया जयंती राजधानी लु इमित हुआ तो
आंतरिक अभिवादन असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सर्वानंद सोनोवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, तपन कुमार गोगोई जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसदगण और इस कार्यक्रम में शामिल और देश विदेश में असम संस्कृति से जुड़े सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए। कल पूरे देश में वीर लासित बोरफुकन की 420वीं जन्म जयंती मनाई गई, पर आपको प्रणाम करता आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है। लासित बोरफुकन मोई लासित मोरो हो नाई नाम लुआ लुईट फोरिया डेका डो, यानी मैं लासित बोल रहा हूं ब्रह्मपुत्र किनारे के युवाओं मेरा बार बार नाम लो, निरंतर स्मरण करके ही हमारे वाली पीढ़ियों को सही इतिहास से परिचित करा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लासित बोरफुकन जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी देखी, बहुत ही प्रभावित करने वाली, शिक्षा देने वाली थी, साथ ही मुझे उनकी शौर्य गाथा पर लिखी किताब का विमोचन करने का भी सौभाग्य मिला। इस अवसर मिल गया, आपका बहुत बड़ा आभारी, धन्यवाद। पूर्वोत्तर के विकास और प्रगति के लिए और साथ साथ भारतीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं उसके लिए हम पूर्वोत्तर वासी आपको प्रणाम करते हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं। देवी और सज्जनों, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अब हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद।